एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हमारा प्राचीन इतिहास हमारे मंदिरों के रूप में बचा हुआ है। आज हम यहाँ हापुड़ में श्यामेश्वर महादेव मंदिर पर हैं। इसका इतिहास महाराजा हरिश्चंद्र से जोड़ा जाता है। वो ही राजा हरिश्चंद्र जो काशी में जाके बिके थे, उनके द्वारा स्थापित ये शिवलिंग है यहाँ पर। उसी समय का ये मंदिर बना हुआ है। और कृष्ण महाराज मथुरा से जब हस्तिनापुर जाते थे तो इसी स्थान पर वो एक दिन, दो दिन, चार दिन विश्राम किया करते थे। तो ये हम आपको इतिहास की धरोहर, विरासत आपको दिखा रहे हैं। पहले भी हमने बहुत से इतिहास के पन्नों को पलटा है और आज ये सोमेश्वर, श्यामेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर के रूप में वो स्थान सुरक्षित है हमारे देश में, जहाँ राजा महाराजा और ऋषि मुनियों की वार्ताएं, सभाएं हुआ करती थीं, वही ये स्थान है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। महापुरुषों की महिमा तो है, अभी बीस अप्रैल 2019 को उन्नीस फिर ये समाधि का कार्य, यही समाधि है। समाधि तो जल में गंगा जी ने, अच्छा गंगा जी ने, लेकिन उनको यहाँ विराजमान किया था ना, उनके शरीर को यहाँ वैसे समाधि से पहले, समाधि से पहले। अकस्मात हुआ स्वस्थ नहीं समझ पाए, और उनके बचनों का लोग हम लोग पालन करते हैं। ये हुआ कि स्वास्थ्य लाभ हो जाए, तो कोई पुस्तक वगैरह लिखी नहीं। वैसे तैयारियां तो बहुत चली, हम ही थोड़ा बहुत लिखते थे, लेकिन वो प्रसारित नहीं हो पाई। अब हो जाएंगे धीरे धीरे, पर यूट्यूब में और तमाम मिलेगा इनका। किस नाम से? जगत गुरु शंकराचार्य भानपुरा के नाम से। भानपुरा।